नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जीएस बाय नीरसर में। यूपी टीजीटी पीजीटी 2021 वाले ध्यान दें, बहुत जल्द उनका रिजल्ट आ सकता है क्योंकि 13 तारीख को धरना है, उसमें आप लोगों को पार्टिसिपेट करना है 11 बजे। ठीक है, 11 बजे आपको पार्टिसिपेट अवश्य करना है। 13 तारीख को फाइनली धरना, यानी सोमवार के दिन धरना है। बीके खान जो कि प्रतियोगी मोर्चा के प्रतिनिधि हैं, उनकी तरफ से धरना बुलाया गया है और इसमें आप लोगों को ज़रूर पार्टिसिपेट करना है क्योंकि इसी के माध्यम से आपको 27,000 नए पदों का विज्ञापन देखने को मिल पाएगा। इसलिए आप लोग एक हों, प्रतियोगी मोर्चा के तहत एक हों और नए विज्ञापन की मांग करें। साथ ही साथ जो 25% जो प्रतीक्षा सूची मांगी गई है, बहुत अच्छी बात है। अक्सर देखा जाता है कि सीटें खाली चली जाती हैं, एनओसी नहीं लगता है, वो बंदे खाली हो जाते हैं। साथ ही साथ कई ऐसे दिक्कतें आती हैं जिसमें जो है बंदे खाली हो जाते हैं तो उनकी सीट खाली रह जाती है, तो उनकी जगह पर जो 25% रिजर्व सूची मांगी गई है उसमें दूसरे बंदे को रोजगार का अवसर मिल पाए, इसलिए जो है प्रतीक्षा सूची मांगी जा रही है। साथ ही साथ नए विज्ञापन के लिए 27,000 पदों पे जो मुख्यमंत्री कई जगह बोल चुके हैं उसके लिए मांग की जा रही है कि जल्द ही जल्द ये 27,000 नए पदों का सृजन हो। ठीक है, और जो तीसरी मांग है वो है कि समान वेतनमान के लिए जो है अभ्यर्थी आ रहे हैं उनको रोका जाए किसी तरह से फॉर्म भरने से। तो ये सब आपके हित की ही बात है, तो इसमें आप लोग ज़रूर पार्टिसिपेट करें। 13 सितंबर को फाइनली 11 बजे आपको पार्टिसिपेट करना ही करना है। प्रमुखता से न्यूज़पेपर्स वालों ने छापा है, तो अब ये आपको मान के चलना है कि भर्ती बहुत जल्द आपके बीच आने वाली है। इसलिए अभी से अपनी तैयारी को मजबूत करें, अपने सब्जेक्ट को मजबूत करें, साथ ही साथ 13 तारीख को होने वाले धरने में अवश्य पार्टिसिपेट करें। बीके खान जी के जो नेतृत्व में धरना होने वाला है इसमें आप लोग जरूर पार्टिसिपेट करें। अगर कोई बड़ी अपडेट निकलती है चैनल के माध्यम से आपको सबसे पहले और सबसे तेज बता दिया जाएगा।